अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। भागवत धाम में भजन संध्या और परिवार प्रबोधन, दादा वेदक ने दिया प्यार और आध्यात्मिकता का मंत्र। श्री वेदक जी का हम सम्मान एवं स्वागत करते हैं। राधा ढूंढ रही किसने मेरा शाम देखा, बेलापुर का पार्षिक धाम शनिवार की शाम भजन संध्या और परिवार प्रबोधन कार्यक्रमों के नाम रहा। यहां अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद के सह सत्संग प्रमुख दादा वेदक ने पारिवारिक संबंध और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। दादा वेदक ने कहा कि भारत की आदर्श परिवार व्यवस्था टूट रही है, अंग्रेजों का प्रभाव और पश्चिम की भोगमयी जीवन शैली से परिवार बिखर रहे हैं, मनुष्य उध्वस्त हो रहे हैं, इसलिए ऐसे परिवारों को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि परिवार बचेगा तभी समाज और राष्ट्र भी बचेगा। दादा वेदक ने लोगों की भारी उपस्थिति को सकारात्मक प्रतिसाद बताते हुए आयोजन की सराहना की। आज समाज बड़े संक्रमण अवस्था से जा रहा है, हमारे आदर्श परिवार संस्था सही माने में टूट रही है। अंग्रेजी मैकॉले के भाषा का प्रभाव, पश्चिम की भोगमय जीवन शैली, इसलिए आज परिवार उध्वस्त है, मनुष्य उध्वस्त है। परिवार बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। अगर हमारे प्राण प्रिय भारत माता को विश्व के जगत कल्याण हेतु विश्व के गुरुस्थान पर बिठाना है तो हमें युद्ध स्तर पर परिवार संस्था का संरक्षण करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे विश्व हिंदू परिषद नई मुंबई ने यह परिवार प्रबोधन के लिए आज के दिव्य सत्संग का आयोजन किया था। जिस तरह से बहुत सारे श्रद्धालु और भक्त इसमें हिस्सा लिए हैं, उनका रिस्पांस किस तरह से आप देख रहे हैं? हमने बड़ा शहर में सत्संग में प्रतिसाद की मात्रा कम रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में उभरकर समाज आता है, लेकिन आज हम बड़े आश्चर्य से भाव विभोर हुए कि नई मुंबई के बेलापुर के सभी हिंदू परिवारों ने सत्संग को बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया। करतल से तालियां बजा रहे थे, नाच रहे थे और भजन गा रहे थे, यह हमारे लिए बड़ा सुचिन्ह है।
अध्यक्ष लालजी मलिक के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद नवी मुंबई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवा टीम का भजन कीर्तन भी सराहनीय रहा। भाजपा नगर सेविका नेत्रा सिरके समेत तमाम समाज सेवियों ने यहां उपस्थित होकर कार्यक्रम का आनंद लिया। प्रबोधन कार्यक्रम के बारे में खास मेहमानों और आयोजकों ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, आइए वो भी सुनाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, आज मुझे यहाँ बुलाया गया था कार्यक्रम में और मैं विश्व हिंदू परिषद के जितने भी मेंबर्स हैं आज उनसे मिली हूँ। बहुत अच्छा लगा और इसी तरह सब परिवार के लोगों को बुला के उन्होंने आज ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ लिया है, मैं सबको शुभेच्छा देती हूँ। विश्व हिंदू परिषद का ये जो कार्यक्रम यहाँ पे जिसका आयोजन किया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद हमारे दादा वैदिक जी ने हमें यहाँ पे देने की कोशिश की है। अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ पक्षों द्वारा घोषणाएं की गई हैं कि हम लोग इतनी संख्या में हैं, हम लोग इतने संख्या में हैं, हम हिंदुओं को इस तरह से ये 100 करोड़ हिंदुओं को ये कर देंगे। उसका एक हिसाब से देखा जाए तो उस बंदे ने कुछ बातें सही कही हैं, क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज है एक तरीके से बटा हुआ समाज है। सब कोई हिंदू ब्राह्मण बना हुआ है, कोई वैश्य बना हुआ है, कोई महाजन बना हुआ है, कोई क्षत्रिय बना हुआ है, तो हिंदू एक है कहाँ पर। हमारा आज का कार्यक्रम करने का मकसद ही यही था कि पूरे देश के हिंदुओं को इकट्ठा किया जाए और उन लोगों को मकसद हमारा उन लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि हम लोग अगर इकट्ठा होकर सामने आ जाएं तो तुम लोग कहाँ खड़े हो, ये फिर तुम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए इस तरह के छोटे छोटे प्रयास भारतीय विश्व हिंदू परिषद की तरह हमें पूरे देश में करने की ज़रूरत है। विश्व हिंदू परिषद नवी मुंबई जिला के माध्यम से आज यह भजन संध्या और परिवार प्रबोधन ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया और बड़े पैमाने पर नवी मुंबई के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से सभी लोग इस भजन संध्या में उपस्थित रहे और उसका बहुत आनंद लिया इस भजन संध्या में और अच्छा सफल हुआ। जिला अध्यक्ष श्री लालचंद जी मलिक, जिला सहमंत्री राजेश जी जैन, दर्शन भारद्वाज और ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम के परिश्रम के लिए गत एक महीना से उसकी तैयारी चालू थी। अपनी जो अभ्यासिका चलती है, अभ्यासिका के बच्चों ने आज यहाँ एक भजन कहा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यह सत्संग खुद अपने मुख से गाया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सह सत्संग प्रमुख माननीय दादा वेदक जी, उनका एक बहुत अच्छा सत्संग इस कार्यक्रम में हुआ और इसकी वजह से कार्यक्रम सफल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।